रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, यू विल नो टुडेज डायरी, लर्न शॉर्ट क्वेश्चन 3, 4, 5 ऑफ चैप्टर नंबर 17 एंड देन यू विल रेडी योर नोटबुक पेज। डे इज थर्सडे, क्लास वर्क एंड द डेट इज 7 जनवरी 2021। चैप्टर नंबर 17, टॉपिक लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, कब जो है वो दूसरी जंग अजीम का अख्ताम हुआ। इट्स आंसर इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1945, 1945 में दूसरी जंग अजीम का अख्ताम हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, लाहौर क़रारदाद लाहौर जो है वो कब मंजूर हुई। इट्स आंसर इज द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940। ठीक है, 23 मार्च 1940 में क़रारदाद लाहौर मंजूर हुई। क़रारदाद लाहौर को हम अब क़रारदाद पाकिस्तान के नाम से भी याद करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन लेडी हारून वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया वुमेंस लीग, कब लेडी हारून जो है वो ऑल इंडिया वुमेन लीग की प्रेजिडेंट यानी सदर मुंतखब हुई। इट्स आंसर इज लेडी हारून वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया वुमेंस लीग इन 1943। 1943 में लेडी हारून ऑल इंडिया वुमेंस लीग की सदर मुंतखब हुई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।